Roger G. WhatsApp audio. हेलो साथी आ रही है, मैं अभी इनकी पोस्ट में देख रहा था, पाकिस्तान के प्लेयर्स की आ रही है, इनको कोई गैरत ही नहीं है, ना ये इंडिया से जीते ना ये अमेरिका से जीते, और हमारे टैक्स पे लोग घूम रहे हैं, उधर पार्टियां कर रहे हैं, आ रहे हैं तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक पैसा भी नहीं लेती। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी कहां से आती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ICC की तरफ से हर साल आता है, क्योंकि ICC हर साल अपने मेंबर बोर्ड्स को फंड्स फराहम करती है और ये फंड्स क्रिकेट के फरोग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे इस साल यानी कि 2024 में ICC की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे $34.5 मिलियन, जो कि एक बड़ी रकम है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग भी PCB के लिए एक बहुत बड़ी रकम जमा करके देती है, जिसमें टीम ओनरशिप, स्पॉन्सर्स, TV राइट्स और टिकट से कमाया हुआ पैसा शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी का एक और बड़ा हिस्सा आता है TV राइट्स से, यानी कि मुख्तलिफ चैनल पाकिस्तान में होने वाली या पाकिस्तान की होम सीरीज और PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बाय करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बनती है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफरेंट TV चैनल्स पाकिस्तान में होने वाली होम सीरीज नशर करने के लिए पैसे फराहम करते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगोज होते हैं, जैसे पेप्सी, टक, पारफ्यू सिटी और इसके अलावा दीगर ब्रांड्स के आप लोगो देखते हैं। ये कंपनीज दरअसल PCB को इन शर्ट से लोगो लगाने के पैसे देते हैं, जिसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कीमत होती है, जैसे कि जो टाइटल स्पॉन्सर होता है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर पेप्सी है, जो कि प्लेयर्स के शर्ट के बिल्कुल बीच में लगा होता है, उसके सबसे ज्यादा प्राइस होती है। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान की होम सीरीज को भी स्पॉन्सर करते हैं। आपने देखा होगा बैंक अल्फला प्रेजेंट पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह डिफरेंट पाकिस्तान की जब भी होम सीरीज होती है उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं, ग्राउंड में डिफरेंट लोगोज आपको नजर आते हैं स्टेडियम में, वो सारे जो ब्रांड्स से जो कमाया हुआ पैसा है वो भी PCB के पास आता है। और फिर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की जो प्राइस होती है, यकीनन PCB उससे भी एक बहुत बड़ी रकम जमा करता है। जैसे कि कोई भी होम सीरीज हो, चाहे वो PSL हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो, कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है, जिस भी मैदान में शौकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं तो वो टिकट की एक प्राइस पे करते हैं। वो टिकट की प्राइस एक बहुत बड़ी रकम PCB को जमा करके देती है, लेकिन यकीनी तौर पे जो सीरीज कराची में होती है उसमें PCB को थोड़ा सा घाटे का सौदा जरूर होता है। इसके अलावा स्टेडियम्स के अंदर जो वेंडर्स जो भी अपने फूड पॉइंट्स लगा के खड़े होते हैं, वो भी PCB को स्टॉल लगाने के पैसे देते हैं। और यही वजह है कि आप लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि स्टेडियम में जो मौजूद स्टॉल्स हैं उन पे अक्सर अशिया महंगी आप लोगों को मिल रही होती हैं। लेकिन फैजान, बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि हमारे टैक्स मनी पे जो चलने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी तो PCB को होम सीरीज में और PSL में सिक्योरिटी फराहम करते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या ये PCB हमारे टैक्स मनी से कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? साथ ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। PCB सिक्योरिटी अदारों को इसकी भी फ़ी अदा करती है। जितनी भी सिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फराहम की जाती है सिक्योरिटी अदारों से या पुलिस के ज़रिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से, उस सब की कीमत एक PCB फ़ी की मद में अदा करती है। तो ये सब ज़राए हैं जिससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान से किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी आमदनी होती है, जितना मुनाफा होता है, वो पाकिस्तान में क्रिकेट पर खर्च होता है। तो आप लोग सुकून से सोएं, क्योंकि आपके टैक्स का एक भी पैसा PCB अपने प्लेयर्स या उनकी वाइफ्स के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहा। और ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि अमेरिका में पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज आपके पैसों के ऊपर अय्याशी कर रही है।